हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो होने वाला है एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए क्लेंजिंग रूटीन कैसे मैनेज करें। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है, ड्राई स्किन के लिए एक फेस वॉश खरीद लेते हैं मार्केट से एंड यू आर ऑल डन। ऐसा नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चलेगा। सेकेंडली, अगर आपकी स्किन कंडीशन ऐसी है तो फर्स्ट ये वाला वीडियो आप देख के आओ, अपनी स्किन ठीक करके आओ। देन अगर आपकी स्किन ऐसी हो गई है, ड्राई है बट रेडनेस, इरिटेशन, ये सब डाउन हो गई है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा आपकी स्किन को डैमेज करेगी, सो प्लीज़ वॉच अंटिल लास्ट। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हर एक पर्टिकुलर क्रिटेरिया को लेके मैं चल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेकअप नहीं करते हो, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो और घर पे रहते हो, तो आपको कैसी क्लिंजिंग रूटीन फॉलो करनी चाहिए। सो मॉर्निंग क्लिंजिंग रूटीन आपकी होनी चाहिए लॉट ऑफ कोल्ड वाटर, आपको बहुत सारे ठंडे पानी से मुंह धोना है, टॉवल से पैड ड्राई करना है एंड मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। आपको किसी भी तरह का फेस वॉश मॉर्निंग में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो आपके नेचुरल ऑयल्स हैं, आपका स्किन बैरियर रात में थोड़ा रिपेयर होता है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आपको उसको तोड़ना नहीं है। और रात में वैसे भी आप फेस वॉश करके सोते ही हो, तो इतना ज़्यादा डर्ट स्किन पे आता नहीं है, जस्ट प्लेन वाटर इज मोर देन इनफ। नाइट रूटीन कैसे फॉलो करनी है, नाइट में आपको एक जेंटल क्लिंजर यूज़ करना है। क्लिंजर्स आपके हो सकते हैं सिटाफिल, मोइज, एपिसॉफ्ट, सिरावे, इस तरह के क्लिंजर्स आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आप घर पे ही रहते हो, सनस्क्रीन भी नहीं यूज़ करते हो, जो कि करना चाहिए स्टिल, बट नहीं करते हो अदरवाइज। सेकेंड सिनेरियो है, अगर आप मेकअप नहीं करते हो बट सनस्क्रीन यूज़ करते हो और बाहर भी जाते हो, कैसा होगा मॉर्निंग रूटीन आपका? होगा अगेन लॉट ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत सारा कोल्ड वाटर आपको यूज़ करना है, टॉवल से पैड ड्राई करना है, देन अपनी आगे की स्किन के रूटीन फॉलो करनी है। नाइट रूटीन में आपको यूज़ करना है फर्स्ट अ जेंटल ऑयल क्लिंजर। ड्राई स्किन के लिए होहोबा ऑयल, आमंड ऑयल, अगर आप ये यूज़ कर सकते हैं तो बेहतर है। ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपको अपनी स्किन ऑयल क्लिंजर से करनी है क्लीन, उसके बाद आपको फेस वॉश यूज़ करना है। अब फेस वॉश कौन से आप यूज़ करोगे? बायोडर्मा मूडी फोमिंग फेस वॉश, फॉक्सटेल हाइड्रेटिंग क्लिंजर्स, ये मेरे कुछ फेवरेट क्लिंजर्स हैं जो आपको ऑयल क्लिंजिंग के बाद यूज़ करने चाहिए। अब ऑयल क्लिंजिंग क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आप सनस्क्रीन लगाते हो और बहुत सारी सनस्क्रीन सिलिकॉन बेस्ड होती हैं या वाटर रेजिस्टेंस होती हैं, तो उनको ऑयल क्लिंजिंग से आपको क्लीन करना ज़रूरी होता है, वरना आपको क्लॉक पोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है, अगर आप मेकअप करते हो, सनस्क्रीन भी लगाते हो, आउटडोर्स जाते हो या इनडोर्स भी मेकअप और सनस्क्रीन यूज़ करते हो, देन आपकी क्लिंजिंग रूटीन कैसी होनी चाहिए? मॉर्निंग में अगेन विथ लॉट ऑफ कोल्ड वाटर, क्योंकि वैसे भी मेकअप करते हो तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है, तो मॉर्निंग में बहुत सारा कोल्ड वाटर यूज़ करना है आपको, और टॉवल से पैड ड्राई करके अगेन आगे आपकी स्किन के रूटीन में बढ़ जाना है। नाइट टाइम आपकी स्किन केयर रूटीन कैसे होगी? फर्स्ट आपको अपना आई मेकअप, लिपस्टिक, आईब्रोज, ये सब एक माइसिलर वाटर से क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ऑयल क्लिंजर यूज़ करना चाहिए। माइसिलर वाटर आप कोई भी ले सकते हो, देन ऑयल क्लिंजर्स मैंने आपको बताए ही हैं। नेक्स्ट आपको फेस वॉश यूज़ करने चाहिए, तो फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो बायोडर्मा, मूडी, सिंपल, फॉक्सटेल जैसे हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। अब ये थ्री स्टेप क्यों हैं? क्योंकि क्या होता है ना, ऑयल क्लिंजर भी आप जब करते हो तो आँखों के आसपास का जो मेकअप होता है वो काफ़ी हैवी होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो ईजिली ऑयल क्लिंजर से जाता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऑयल क्लिंजिंग मोर देन इनफ लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट आपको हमेशा एक माइसिलर वाटर से अपना आईब्रोज, आई मेकअप और लिपस्टिक उतारना चाहिए, देन ऑयल क्लिंजर से पूरा फेस धोना चाहिए, उसके बाद एक फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, देन अपनी नाइट रूटीन फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सीनैरियो है ऐसे लोग जो नाइट में स्लगिंग करते हैं। स्लगिंग का मतलब होता है, इन शॉर्ट मैं यहाँ बता देती हूँ, कि आप अपनी कंप्लीट स्किन केयर रूटीन करने के बाद नाइट में वैसलीन या ऑयल लगाते हैं, तो उनका स्किन केयर रूटीन कैसा होगा? चाहे आपकी मॉर्निंग में आप मेकअप करो ना करो वो अदरवाइज है, बट अगर आप नाइट में स्लगिंग करते हो तो आपकी मॉर्निंग रूटीन क्लिंजिंग की कैसी होनी चाहिए? देन मॉर्निंग में आपको सिर्फ कोल्ड वाटर से फेस वॉश नहीं करना चाहिए, एक हाइड्रेटिंग क्लिंजर यूज़ करना चाहिए, सेरावे, सिंपल,
सेटाफिल ऐसे माइल्ड क्लेंजर आपको मॉर्निंग में ज़रूर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वैसलीन और ऑयल्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं डे टाइम के लिए और आपका स्वेट और पोर क्लॉक कर देते हैं वाइल आप जिम वगैरह जाते हो। तो बेटर ये है कि आप माइल्ड क्लेंजर से वॉश करो, देन अपने ठंडे पानी से वॉश करो, उसके बाद आगे बढ़ो। नाइट रूटीन, जैसे आपका मॉर्निंग का सीनेरियो है, आप सनस्क्रीन लगाते हो, मेकअप लगाते हो, जो मैंने पहले बताया है, आप वैसे फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप नाइट में स्लगिंग करते हो, देन यूज़ अ गुड हाइड्रेटिंग क्लेंजर। आपको अगर कोई भी फेस वॉश जो यहाँ पे मैंने बताया है आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएंट्स मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, तो डरिए मत, मैंने सारे फेस वॉशर्स के लिंक, क्लेंजर्स के लिंक आपको सीनैरियो वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक, जो मेरे फेवरेट है, फर्स्ट मैंने फेवरेट और लीस्ट फेवरेट ऐसे मैंने लिंक करके दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके उसको ले सकते हो। आई होप कि मैंने सारे सीनैरियोज कवर कर लिए हैं, बट अगर कुछ छूट गया हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ जनरली, बट प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए, देन आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आगे बहुत सारे ड्राई स्किन से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे।